जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म अध्यापन डायरी के बारे में, माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में कि माइक्रो टीचिंग डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर तरह की डायरियों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म अध्यापन कार्यक्रम, माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम के बारे में। और सबसे पहले हमें ये डायरी कॉलेज से मिल जाती है और इसे हमें कैसे बनानी होती है। सबसे पहले यहाँ पे प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुछ निर्देश लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो। और इसमें बताया गया है कि 5 कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत: प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रदर्शन कौशल और श्यामपट कौशल। ये 5 कौशल हमें इस डायरी में बनाने होते हैं और यहाँ पे सभी कौशल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है किस प्रकार से ये कौशल बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पे मुख्य बिंदु दिए हुए, अवलोकन के कौशल के घटक दिए हुए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोई सी भी सब्जेक्ट हो। दोस्तों, आपके माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाई है, इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से बनाए। अब यहाँ पे हम जो बायोलॉजी विषय के अंतर्गत देखेंगे कि बायोलॉजी विषय के अंतर्गत किस प्रकार से बनाएं। आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट हो तो आप आराम से बना सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको आपके सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी समझ सकते हो। सबसे पहले आपको जो भी कौशल है, जैसे प्रस्तावना कौशल हमें बनाना है तो प्रस्तावना कौशल का नाम लिखना है, प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ योजना। जिस कक्षा का हम टॉपिक लेंगे उस कक्षा का नाम लिखना है। जिस विषय का लेंगे, विषय जीव विज्ञान, अगर गणित है तो गणित लिखना है, अगर इतिहास है तो इतिहास लिखना है, और भूगोल है तो भूगोल लिखना है। जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद जो भी कालांश है वो लिखनी है, और जिस जो दिनांक को आप प्रस्तुत करते हो वो लिखनी है, और प्रकरण जो भी टॉपिक है वो लिखना है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, समय रहता है 5-7 मिनट। और इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, हम जमीन पर गिरा हुआ कोई खाना क्यों नहीं खाते हैं, खाना गंदा हो जाता है, जमीन पर गिरा हुआ खाना गंदा क्यों हो जाता है, क्योंकि जमीन पर छोटे छोटे जीव और गंदगी पाई जाती है। छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना कौशल में क्या करना होता है, आपको 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं, और जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चनों का लेवल होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है, और क्वेश्चनों में तारतम्यता होना जरूरी है। और इस तरह से प्रस्तावना कौशल आप बना सकते हो। इसके बाद अगला कौशल होता है श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल कैसे बनाना है, आपको श्यामपट कौशल लिखना है। जिस कक्षा का टॉपिक है कक्षा का नाम लिखना है, जिस विषय का टॉपिक है उस विषय का नाम लिखना है, और जो भी टॉपिक है प्रकरण में लिखना है आपको। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इसमें समय 5-7 मिनट का ही रहता है। आपको क्या करना है, इसमें एक श्यामपट चिपकाना है यहाँ पे इस तरह से, और श्यामपट पे, श्यामपट कौशल में क्या करना होता है, हमें जो जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में मुख्य मुख्य बिंदु हमें श्यामपट पर लिखने होते हैं और समझाना होता है। तो जो भी जिस फसली टॉपिक है तो इसके बारे में हमें श्यामपट पर लिखना है। जिन पेड़ पौधों को मनुष्य अपने खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाता है उसे फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल। खरीफ की फसलें, ये फसलें जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें जिनके लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे मक्का, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द आदि। रबी की फसलें, यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम व पकने के बाद उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जैसे चना, मटर, गेहूं, जौ आदि। जायद की फसलें, यह फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती है, इसे अधिक ताप व अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। फिर इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। इसमें फसलें कितने प्रकार की होती है, जायद की फसलों के उदाहरण बताइए। तो इस तरह से आपको श्यामपट कौशल, कोई सा भी टॉपिक हो, आपके कोई से भी विषय हो, तो उसमें जो भी उस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी वो श्यामपट पर लिखते हुए आपको समझानी होती है, और इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद अगला कौशल है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है कौशल का नाम, व्याख्या कौशल। विषय लिखनी है जो भी है, विषय जीव विज्ञान, प्रकरण है पौधे के भाग, कक्षा है 6 और समय है 5-7 मिनट। इसमें व्याख्या कौशल में 5 कॉलम बनते हैं: अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट सारांश। तो पहले अध्यापन बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, प्रणहरित के कारण, प्रणहरित के बारे में, सॉरी, प्रणहरित के बारे प्रण
पर्ण हरित के पत्ती में क्या कार्य है? निरुत्तर, पत्ती। अब अध्यापन बिंदु है हमारा पत्ती, छात्र अध्यापक कथन। पत्ती तने पर शाखाओं पर लगी होती है, पत्ती प्रणवंत द्वारा तने से जुड़ी होती है, पत्ती का चपटा भाग प्रण फलक कहलाता है, पत्तियों में कई सिराएं पाई जाती है, पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्मित करना है, पत्तियां वाष्पो उत्सर्जन में सहायक होती है। और ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कॉलम में, श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट चिपकाना और श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिखने हैं। और इस तरह से यहाँ पे एक मिनीचर भी चिपका सकते हो, आप चित्र बना सकते हो जो भी टॉपिक से संबंधित है। इसके बाद आपको दो बोध प्रश्न करने होंगे। पत्ती किस संरचना द्वारा तने से जुड़ी रहती है? प्रणव। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला कौशल आता है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या करना होता है? जो भी विषय है और जो भी टॉपिक है और जो भी कक्षा है, समय 5-7 मिनट रहता है। इसमें क्या करना होता है? पूर्व ज्ञान लिखना होता है, विद्यार्थी पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। अब इसमें जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित 9 से 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने हैं, और विद्यार्थियों के जो आंसर आते हैं वो आंसर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है? पादपों में। पादपों का रंग कैसा होता है? हरा। हरा रंग की सुवर्ण की उपस्थिति के आधार पर होता है। पर्ण हरित। बगीचे में क्या क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस आकार के होते हैं? विभिन्न आकार के। कम ऊंचाई वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साग। किसी एक साग का नाम लिखिए। गेहूं। वृक्ष का तना कैसा होता है? अत्यधिक कठोर। वृक्ष का उदाहरण दीजिए, आम व नीम। तो इस तरह से आपको इसमें 9-10 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लिखने हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि तारतम्यता हो, आपकी कोई से भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सरल से कठिन का भी कोई इसमें रूल नहीं है। इसमें आपको ओनली टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखने होते हैं। इसके बाद अगला कौशल आता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले तो वही विषय लिखना है, जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, और समय इसमें भी 5-7 मिनट का ही रहता है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें 1 कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा विद्यार्थी क्रिया, तीसरा पुनर्बलन। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो विद्यार्थी आंसर बताता है और उसको पुनर्बलन दिया जाता है शिक्षक के द्वारा कि भाई सही है, ठीक है, शाबाश। ये सारे कोशिका के मध्य भरा भाग क्या कहलाता है? जैसे विद्यार्थी ने आंसर बताया कोशिका द्रव्य, तो ठीक है, ये अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। सही है। किसी एक कोशिकांग का नाम लिखिए। हरित लवण। अच्छा, केंद्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में, शाबाश। लाइसोसोम का अन्य कार्य लिखिए। आत्मघाती थैली। बहुत अच्छा। लाइसोसोम का अन्य नाम लिखिए। आत्मघाती थैली। कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम लिखिए। गोल्जीकाई। सही है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश। गोल्जीकाई कैसी संरचना है? पट्टिका युक्त। अच्छा, तो इस तरह से इसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन लिखने हैं और उनके विद्यार्थी क्रिया में आंसर लिखने हैं। इसके बाद और पुनर्बलन देना है कि भाई ठीक है, सही है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही नहीं बिठा देना है। आंसर देने के बाद ठीक है, शाबाश, जो भी है, जो भी पुनर्बलन उचित होता है वो पुनर्बलन आपको देना जरूरी है। तो इस तरह से 5 कौशल बन जाते हैं माइक्रो टीचिंग की डायरी के अंदर। पुनर्बलन कौशल और प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल और प्रस्तावना कौशल। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके और कोई दूसरे विषय है और दूसरे विषय के देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। कोई से भी सब्जेक्ट हो, कोई सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी सारी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।